इतनी खुशी हुई ना मुझे आपसे मिलने के बाद कि लिटरली आज आपने मेरा दिन बना दिया। थैंक यू सो मच। हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द व्लॉग। टुडे इज 12th ऑफ फरवरी और आज हो रहा है वीकेंड का सबसे स्पेशल डे, मतलब सैटरडे। और आप सब बहुत ही ज़्यादा वैलेंटाइन डे वीक, इसलिए मैं लिटरली मुझे कुछ पता ही नहीं था कि इतना से वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है कि ध्यान ही नहीं दिया मैंने कि वैलेंटाइन डे वीक है, क्योंकि अपना वैलेंटाइन अभी अपने पास नहीं है, अपने साथ नहीं है, तो बोल सकते ना कि इस पर ध्यान देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि ना तो कि हो गया और रेडी, और हमेशा की तरह जो जो हरकतें मैं करके भूल जाता हूँ उसको कर रहा हूँ कंप्लीट। और अभी सीधा ऐसा लग रहा है आज। तो ये शर्ट गिफ्ट किया था मुझे हिमू ने मेरे बर्थडे के टाइम पे, और तो वही पहना मैंने। और मैंने पेंच डेनियल जींस फिर से भूल गया मैं, इसलिए मैंने रूम के स्लीपर पहन के मैं पूरी दुनिया घूम सकता हूँ। फिर भी पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो नहा धो के हो गए रेडी और सीधा चलते शॉप पे। तो आज जैसे कि आप सबको पता है सैटरडे है, तो पापा का तो मंदिर जाना बनता है, तो पापा अभी मंदिर के होंगे क्योंकि सैटरडे का उनका रहता है फास्ट। और सैटरडे मतलब हनुमान जी का दिन, तो आज तो मान के चलो कि पापा एक घंटा लेते ही है। और पूजा करने बैठ गए तो मतलब समझ के चलता हूँ मैं कि 3 घंटे का गैप तो बनता ही है। तो अभी जल्दी से जल्दी शॉप पे, और मम्मी जाएंगे अंदर साइकिल वगैरह, और मैं जाऊँगा दुकान। तो दुकान जाने से पहले सीधा चलूँगा एक बार सबसे पहले मंदिर, और मंदिर जाके मिलता हूँ। फाइनली गाइज, मैं और पिनू आ गए दर्शन के लिए, और आज प्रीतेश जी थे तो मैं आप बच के आ गया, क्योंकि इतना मच्छर है आज पूरे बाजार में कि हालत ख़राब हो जाती। और इन भाई साहब को कल मैंने इनसे चश्मे मंगाए थे जो कि ये अहमदाबाद गए थे अपनी शॉप पर दुकान की शॉपिंग के लिए, तो पर हमेशा की तरह इन्होंने इस बार भी चाटी दे दी है। तो अभी इसका सवाल जवाब तो नेक्स्ट टाइम वाले, जब भी ये मुझे कुछ काम बताएंगे और मैं वो काम नहीं करूँगा ऐसा मैं सोच रहा, पर ये गालियाँ देता है। गालियाँ तो गालियाँ भी देता है पर मैं ऑन कैमरा गालियाँ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी वीडियो बच्चे भी देखते और वो सब। तो ऑफ कैमरा जब मेरे जो व्यूअर्स है वो बड़े हो जाएंगे तब मैं गालियाँ दूंगा। सही बात है। चश्मे कहाँ से लाया आप? ये चश्मे लाया मैं सर सेंबरी से रेबन का माल, देख लो कितना देश प्रगति कर रहा है। तो अभी सीधा चलते हैं घर पे और फिर मिलते हैं। और भाई साहब की नई दुकान खुल रही है तो बहुत जल्दी ओपनिंग सोन, सामान ला रहा है धड़ाधड़, बहुत मटेरियल दे रहे, खर्चा कर रहे बेटी। तो फिर दुकान पे जाके मिलता हूँ, पूरा आइडिया देता हूँ कितने पैसे निकाले। इनकम टैक्स वाले देख रहे हो छापा मार दो। फाइनली गए शॉप पे आ गए, और पापा भी अभी तक आए नहीं क्योंकि पापा मंदिर गए हुए, और अभी शॉप पे बैठे थोड़ी देर तो सारा काम निपटाते। और अभी आज तो व्रत है तो शायद मम्मी बोल रही कि यार आपके लिए आज मैगी बनाई जाएगी, और मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो आप भी अगर कहीं बाहर जा रहे तो सनग्लास ले लें। और लिमिटेड ऑफर जो विदाउट ट्रेड प्रमोशन है, तो लेंस कट पर अभी सनग्लासेस बहुत बढ़िया मिल रहा है, तो वहाँ से जाके आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और मज़ा आ रहा है अभी, लाइक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, और वैलेंटाइन डे भी आने वाला है, तो उसके लिए कुछ सोच रहा हूँ मैं। अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके शेयर करें, और आप भी आपके पार्टनर के लिए क्या कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं। पार्टनर का नाम मत बताना वरना आपके घर वालों को पता पड़ता है, अगर आपके घर वालों को पता है तो फिर ओपनली शेयर कीजिए बिल्कुल मेरी तरह, कभी ना कभी तो अच्छा होना ही है। तो बस अभी दुकान का सारा काम है उसको निपटाते हैं और जल्दी से फ्री हो जाते हैं। और पापा को भी बाहर जाना है, तो पापा के भी क्या क्या प्लानिंग है वो सब सेट कर दो, फिर पापा को बाहर जाने में इजी रहेगा। और क्या क्या ऑर्डर करना है वो भी सब ऑर्डर, क्योंकि कुछ ना कुछ नया लाना ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ अगर आप नहीं बदलोगे तो फिर यूँ है ना, आप थोड़ा पीछे रह जाओगे। तो समय के साथ बदलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसको ध्यान में रखिए। बाकी सब तो बढ़िया है, मजे कीजिए, और मैं थोड़ा काम है उसको निपटा था और फिर मिलता हूँ। फाइनली गाइज, आज का खाना है मैगी, और विक्कू भाई भी उदयपुर से आ चुके हैं सुपरमार्केट के सेट। ये लाइट में बैठ पागल। हाँ ये अभी टेस्टिंग चल रही है मैगी अंदर और बन रही है, तो एक बार इसको टेस्ट करने का आगे से ऑफर आया, तो एक बार इसको टेस्ट करेंगे और बताएंगे आपको कैसी है। सो फाइनली गाइस, सारे नियमों को देख के विक्कू अगर ये व्लॉग अगर तू देख रहा होगा तेरे को यहाँ समझ में आ जाएगा, और कौन गलती में वो बता पड़ जाएगा। तभी मैगी अच्छी बनी है, तो मैगी को ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवाया गया है, और मैं वैदिक दोनों खा नहीं खा रहा, बस मैं खा रहा हूँ, और जल्दी से मिलता हूँ फिर आपको।
एंड व्हाट समवर्ड मेरा माइंड बहुत ज़्यादा गंदा है, क्योंकि अभी किसी प्रॉब्लम और किसी की डीलिंग की वजह से थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में थोड़ा सा माइंड खराब हो रहा है। और अभी रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊँ, मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था, अगर मेरे पास अगर मेरी फुटेज कैमरा फुटेज है तो वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। इसलिए लिटरली मैं बोल सकते ना कि दिन बन गया मेरा, एक सब्सक्राइबर आया अभी, इसलिए औरों की तरह नहीं, वो नॉर्मल एक होता है ना कि एक नॉर्मल सब्सक्राइबर जैसे होता है वो आया मिला, इसलिए बोल सकते ना मैं जस्ट शार्क टैंक देख रहा था, वो आया लिटरली उसने मुझे ये बोला हाय, मैंने कहा हाय, मेरे को लगा शायद कोई कस्टमर है, मैंने कहा हाय मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मैंने कहा अच्छा अच्छा, वो बोले मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था जस्ट और मुझे आप दिखे, और लिटरली वो बंदा एक सेकेंड एक मिनट का ही कन्वर्सेशन हुआ हमारे बीच, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ आप जाते हुए मुझे दिख गए, तो मैंने कहा कि मैं एक बार मिल के जाऊँ। लिटरली सच में यार बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है ऐसे, अगर कोई मिलना आता ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यही अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये कमाई है, अगर कोई मुझे देख के खुश होता है उसके लिटरली उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी और वो बहुत ज़्यादा खुश, इसलिए मज़ा आ गया, दिन बन गया मेरा आज। और सच में मुझे अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है, मैं सच में अगर अपना टीवी ऑन करके मैं सच में वो मोमेंट देखना चाहता हूँ कि मैंने कैसे रिएक्ट किया और मैं कैसे उस पर इसे बोल सकते ना कि रिएक्शन का ही टाइम नहीं था, हाय मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मैंने कहा हाँ मेरा सब्सक्राइबर, और वो आया मिला और तुरंत निकल गया, इसलिए और थैंक यू सो मच यार गाइस। कभी कभी आप ना ऐसे ऐसे कोई बंदा आता है और सच में खुशी, इसलिए लिटरली इट्स हैपन सो मच बहुत ज़्यादा, और ये खुशी ऐसा नहीं कि ये खरीद नहीं सकते हो आप, ऐसा ये खुशी एक ऐसी है ना जो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा, इसलिए कि दिल छू लेती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सबका प्यार और सपोर्ट इसी तरह अगर मिलता रहा तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों से सबसे मिलूँगा, और हम सब मिल के मज़े से इसलिए अच्छे से मिलेंगे हम, और आप सबसे बहुत सारी बातें करनी है जो कि आपसे बहुत जल्दी, इसलिए जैसे ही अपना जो YouTube के टर्म्स एंड कंडीशन जल्दी ही पूरे हो जाएंगे और उस टाइम तो फिर हम मज़े करेंगे बिल्कुल, इसलिए मज़ा आ गया मेरे को सच में, दिन बन गया मेरा। नहीं गाइस तब तो वीडियो बना इसलिए वीडियो और सेल्फी लेने का मौका मिला नहीं, पर अब जाके वो बंदा दिख रहा है, जब मैंने कैमरा चेक किया मतलब लिटरली वो बंदा मुड़ के वापस आया मुझे सिर्फ मुझे मिलने के लिए, तो वो मैं अभी जस्ट कैमरा ऑन करता हूँ, तो वो ऐसा कुछ हुआ था, वो बंदा आया वापस आया मेरे पास, लिटरली इसलिए मैं कुछ समझ नहीं आया मुझे, तो क्या करना है क्या करूं मैं कुछ भी नहीं, और 2 मिनट आया मिला बोला, और लिटरली इस बंदे ने मेरा दिन बना दिया। तो थैंक यू सो मच भाई, अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताना मुझे, और इतनी खुशी हुई ना मुझे आपसे मिलने के बाद कि लिटरली आज आपने मेरा दिन बना दिया यार, थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहो यार मज़ा आता है, इसलिए लगता है कि मैंने कुछ तो किया है जो आप सबको पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। और अभी दुकान का थोड़ा बहुत काम है और थोड़ी बहुत टेंशन है, उसको से फ्री होते हो। भूमिका भाभी ने चाय भेज दी और ये विक्कू भाई का मास्क पड़ा है और ये अभी टीवी ऑपरेशन जो चल रहा है, तो अभी चाय को भी इंजॉय करते हो और मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद। सो फाइनली गाइस आ गया हो बेड पे और अब सीधा सोया जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट मूड थोड़ा सा ख़राब था आपको जैसे कि पता ही, आज पूरा दिन से थोड़ा बहुत मूड ऑफ ही है, फिर उन बंदे से मिलने के बाद थोड़ा सा मूड सही हुआ, फिर रात को खाना खाने के बाद आज तो मैंने कहा कि यार खेल ही लेते हैं, खेलने के बाद अपना मूड थोड़ा सही होता है, तो बैडमिंटन खेलने गया था, अभी थक के आया हूँ और कपड़े चेंज करके जस्ट एक अच्छा सा गर्म पानी से पेट बिल्कुल अच्छे से धोए हैं और अभी सीधा बेड पे आ गए, क्योंकि उठने की भी इच्छा नहीं हो रही है और ब्लॉग भी एंड करने की इच्छा नहीं हो रही, इतनी थकान लग गई और 2 दिन से एलर्जी की वजह से रोज़ सुबह 5 बजे में नींद खुल रही है और छींकें आ रही है बहुत गंदी, तो उस चक्कर में नींद जल्दी आ जाती है। तो आशा करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच भाई अगर आप ब्लॉग देख रहे हो यार, सच में आपने दिन बना दिया यार मेरा आज, तो बस ब्लॉग को करेंगे यही समाप्त और मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इतने तक देखने के बाद,
सब्सक्राइब करना तो बनता ही है गाइस, तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग में।